नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपको प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट तो देंगे ही, साथ ही कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच के मची घमासान भी आपको हम दिखाएंगे। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही दलों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहां पर पीसीसी में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और निकाय चुनाव में जीत को लेकर खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरी अपडेट ली, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी को अच्छे प्रदर्शन का दावा किया। बीजेपी के भी दिग्गज नेता लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और कई केंद्रीय मंत्री इसको लेकर प्रदेश में कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन जहां तक शहरी निकायों की बात करें तो इलाके की जनता विकास को लेकर अपने जन प्रतिनिधियों से खासी नाराज दिखाई दे रही है। और इतना तो तय है कि जब वार्डों के उम्मीदवार जनता से वोट की अपील करेंगे तो उनको कई तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ेगा और जिसका जवाब देने के लिए उनको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले कुछ उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल चुनाव के असली रंग निकाय चुनाव में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस चुनाव में जनता के हित सीधे तौर पर वार्ड और नगर निगम से जुड़े होते हैं और जो उम्मीदवार खड़ा होता है उससे भी लोगों का तकरीबन रोज ही सामना और सवाल जवाब होता है। ये चार तस्वीरें आप देखिए नॉमिनेशन की। डीडवाना की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर नामांकन दाखिल करने प्रत्याशी पहुंचे। मावा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तीसरी तस्वीर उदयपुर की है, तो वहीं चौथी तस्वीर भरतपुर की आप देख रहे हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। जिन जिन के नाम लिस्ट में आ गए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और फिलहाल अब ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पूरी जी जान से जुटी हुई हैं। कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से निर्देश दे दिया गया है कि निकाय चुनाव में पूरे जोश खरोश के साथ उतरकर मैदान मारना है और ऐसे में अब उम्मीदवारों का नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि कल आपको ये भी बता दें उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख है, 5 तारीख तक ही नामांकन दाखिल हो सकेंगे। उधर उदयपुर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची सामने आने के बाद कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी ओर सभी को बीजेपी की सूची का इंतजार भी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों समेत कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं सबके सामने रखी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 4 से नामांकन दाखिल करने वाले अरुण टांक ने ये बताया कि कांग्रेस की ओर से महापौर का उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्षदों के चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और जिनको पार्टी ने टिकट दिया है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई दावेदार मैदान में हैं और इन दोनों पार्टियों से दो दो हाथ करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 15 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर माकपा की ओर से 4 उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया, तो वहीं लेकिन इन सब उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो वर्ष 2013 में उदयपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका है। कहते हैं कि राजनीति में चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा कभी ठंडी नहीं होती, शायद यही वजह रही कि 2013 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े राजेश सिंह भी वापस उससे निचले स्तर पर आकर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। उधर झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में नगर पालिका निकाय चुनाव 2019 को लेकर पालिका की सामान्य सीट के लिए होने वाले 13वें निकाय अध्यक्ष को लेकर वार्डों और बाजारों नुक्कड़ों पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। 1 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अब नामांकन दाखिल करने में ज्यादा समय नहीं है।
चौथे दिन सुबह से निर्दलियों की लंबी कतारें देखी गईं। सभी नामांकन दाखिल करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। दोनों ही पार्टियों में टिकट के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ रहा। एक दिन का समय बचा अब प्रत्याशियों के लिए नामांकन दाखिल करने में। उधर उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल रात को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी में अब भी लिस्ट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की निगाहें लिस्ट पर हैं, चूंकि एक दिन का समय बचा है। बीजेपी उदयपुर नगर निगम में कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सोच समझ कर अपने प्रत्याशियों को उतारने की फिराक में है। हालांकि जिन वार्डों में बीजेपी के दावेदारों में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है, वहां पर संभावित प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए इशारा कर दिया गया है। टिकट वितरण में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को चुनने के लिए मंथन कर रही है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की सूची आने के बाद हमारी ओर से एक एक उम्मीदवार के ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा है। अगर उसमें किसी भी उम्मीदवार को लेकर कोई दिक्कत है तो वहां पर भी उम्मीदवार बदलकर जिताऊ को मैदान में उतारा जा सकता है। वैसे तो हमने बहुत कुछ जयपुर जाकर के चर्चाएं कर ली, लेकिन आज कांग्रेस की लिस्ट आई है, एक बार उस पर निगाह लगा करके प्रत्येक वार्ड के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। अगर कहीं हमको लगता है कि प्लस माइनस ध्यान में आता है तो जरूर विचार करेंगे और जयपुर को बताएंगे। जयपुर की स्वीकृति मिलने के बाद हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, जहां हमको लगता है कोई विवाद ही नहीं है उनको कह देंगे कि तुम अपना काम शुरू करो। लिस्ट तो तभी डिक्लेयर करेंगे जब सब वार्डों के ओके होकर के जयपुर से खुल। वहीं हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी ज्वालम सिंह और जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। हनुमानगढ़ के 60 में से 55 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जबकि 5 वार्डों 5, 7, 8, 41 और 59 को विचाराधीन रखा गया है। वहीं यहाँ के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का लोगों को इंतजार है, जो जल्द ही जारी हो सकती है। अब जबकि निकाय चुनाव को लेकर आज और कल का ही दिन बचा हुआ है, तो वहीं ऐसे में डीडवाना कचहरी परिसर में आवेदकों और समर्थकों की भारी भीड़ रही है। कचहरी परिसर में गाजीबाजी के साथ आवेदक पहुंचे, तो वहीं कोर्ट परिसर में इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। निकाय चुनाव आवेदन में अंतिम 2 दिन बचे हैं, ऐसे में सोमवार को डीडवाना नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव के लिए दावेदारों की भारी भीड़ कचहरी परिसर में रही। आवेदनकर्ता अपने समर्थकों के साथ गाजेबाजों पर रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुए और नामांकन दाखिल किया। 40 वार्डों में होने वाले चुनाव में इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों के अलावा सामान्य वार्ड से भी महिला उम्मीदवारों के फॉर्म जमा हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस बार नगरपालिका चेयरमैन का पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। मंगलवार को आवेदन का अंतिम दिन रहेगा, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से आने वाले लोगों ने सोमवार को ज्यादा रुचि दिखाई। इस बार अध्यक्ष की कुर्सी सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने की वजह से कई नेता सीधे मैदान में उतरने की बजाय अपनी पत्नियों या फिर रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव में युवाओं में भी चुनाव लड़ने को लेकर काफी जोश दिखाई दे रहा है। आवेदकों में युवाओं की संख्या भी खासी है। निकाय चुनाव की प्रक्रिया के तहत 6 नवंबर को आवेदन फॉर्म की जांच होगी, 7 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 16 नवंबर को चुनाव होने हैं। 19 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं 26 नवंबर को चेयरमैन और 27 नवंबर को वाइस चेयरमैन के चुनाव होंगे। तो प्रदेश में जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति कर रही हैं, वहीं कांग्रेस जीत का समीकरण फिट करने के लिए हर एंगल पर गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी मीटिंग में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है, जो कि वहीं पर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 5 विधायकों को भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी
दी गई है। निकाय चुनाव में बीजेपी पर बड़ी बढ़त बनाने को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश पीसीसी मुख्यालय में जीत और हार को लेकर बड़ी कवायद चली और इसमें सीएम गहलोत के साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर चली इस पूरी कवायद में हर बड़े नेता की जिम्मेदारी तय की गई। कई हफ्तों से मीटिंग्स करी हैं, प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं और हमने टिकट वितरण भी जो है वो जिले पर छोड़ा है, क्योंकि जयपुर से बैठकर हम लोग वार्ड वाइज टिकट बांटें ये उचित नहीं है। तो हमारे मंत्री जो वहाँ के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट्स एमपी एमएलए के, वो सब बैठ कर आपस में तय करेंगे स्थानीय क्षेत्र को देखते हुए कौन कहाँ से मजबूत उम्मीदवार है। एक तरफ जहां पीसीसी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ तो वहीं इसके अलावा एक और बैठक जयपुर के निजी होटल में चली। ये बैठक भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। इस बैठक में सीएम गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे तो शामिल हुए ही, उनके साथ शामिल हुए बीएसपी से कांग्रेस में आए 5 विधायक। और इस बैठक का जो सार निकल कर सामने आया वो ये था कि निकाय चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक को कांग्रेस में ट्रांसफर कराकर बीजेपी को जोर का झटका दिया जाए। हालांकि बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बीएसपी से आए विधायकों को कांग्रेस का बताते हुए कहा कि निकाय चुनाव में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि जब बसपा से आए विधायकों के दल का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है तब अलग से उनके पार्टी में शामिल होने या सदस्यता ग्रहण करने का सवाल ही नहीं उठता और अब वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। बैठक के बाद विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि सीएम गहलोत और प्रदेश प्रभारी ने उन्हें भरोसा दिया है कि पार्टी में शामिल होने के बाद उनका मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा और उन्हें न केवल निकाय चुनाव में प्रमुख जिम्मेदारियां दी जाएंगी बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनकी बातों को प्रमुखता से सुना जाएगा। जी को देखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है, माननीय अध्यक्ष जी को देखना है कि कब कैसे क्या होगा, लेकिन अब तो हम पार्टी में आ ही गए और सदस्य हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं और मजबूती के साथ में कांग्रेस को पूरे प्रदेश में हम लोग खड़ा करेंगे। ये कहीं ना कहीं मान सम्मान तो सबका होता है, जो हारे हुए हमारे सामने जो प्रत्याशी थे उनका भी कहीं ना कहीं मान सम्मान रखना है, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जितना मेरे क्षेत्र में, चाहे वो डिग्री कॉलेज दिया गया हो, चाहे वो पंचायत समिति दी गई हो, कितने तमाम विकास कार्य जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे मेरे क्षेत्र में दिए गए और कहीं कोई हम ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करते कि हम लोगों का कहीं कोई अपमान या हम लोगों को कोई कमी ऐसी महसूस। हालांकि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को लेकर प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल हो चुकी है और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के हो चुके इन 5 विधायकों का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव में मिलता है। जयपुर से दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो निकाय चुनाव प्रदेश में होने हैं। कोटा की अगर बात करें तो यहां पर फिलहाल चुनाव 6 महीने के लिए टल गए हैं, लेकिन 5 साल में निगम बोर्ड ने क्या काम किया और क्या नहीं, इसको लेकर हमारी टीम ने पड़ताल की। किसकी बनेगी शहर की सरकार? कोटा को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में छात्र कोटा आते हैं। कोटा को कोचिंग सेंटर का हब माना जाता है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में शह और मात का खेल जारी है, लेकिन इन सारी कवायद में हालांकि कोटा फिलहाल इससे दूर है, मगर फिर भी यहां भी इस चुनाव को लेकर सुगबुगाहट देखी जा सकती है। यहां के लोगों से पिछली बार वादा किया गया था कि कोटा शहर में विकास की रफ्तार ठीक वैसे ही पकड़ेगी जैसी देश के कई महानगरों में देखने को मिल रही है। कोटा शहर को देश के उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस शहर में आते हैं और कहा जाता है कि यहां आकर तैयारी करने के बाद सफलता की 100% गारंटी होती है। सफाई व्यवस्था का दुरुस्त ना होना शहर की सबसे बड़ी समस्या। आवारा जानवरों का सड़कों पर राज चलता है। आवारा मवेशियों का शिकार बन चुके हैं कई लोग। ट्रैफिक जाम के झाम से परेशान हैं शहर के लोग। एजुकेशन सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए तमाम वादे भी किए गए,
लेकिन शहर में विकास की जो स्पीड देखने को मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं दिखती। अगर शहर की सबसे बड़ी समस्या को देखा जाए तो वो सफाई से जुड़ी है और उसके अलावा आवारा जानवर लोगों की जान पर आफत बने हुए हैं। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी तो जैसे खाना पूर्ति निभाते हैं, शहर के पौश इलाकों में फैली गंदगी और कूड़े के अंबार इस शहर की तस्वीर को और बदसूरत बनाते हैं। सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमते मवेशियों की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके निगम के कर्मचारियों के पास इनको पकड़ने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। हालत यह है कि शहर की जनता इन अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत करके हार चुकी है और वो भी चुप्पी मारकर चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वक्त पर जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब किया जा सके। नगर निगम ने काम तो किए हैं पर जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, अभी जैसे डेंगू हो रहा है उसमें सफाई नहीं हुई ढंग से, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे पिछले 2-3 साल से मतलब ज़्यादा ही डेंगू फैला हुआ है कोटा शहर में, तो सफाई तो हुई है पर क्योंकि सफाई कुछ वार्डों में तो हुई है कुछ में नहीं हुई है, पर जिस तरीके से कोटा शहर स्मार्ट सिटी में आता है उस हिसाब से सफाई में मतलब कमी रही है। सड़कें अभी आप देखें तो अभी गड्ढे हैं सड़कों पर, लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं है। तो जिससे अब दशहरा आ रहा है, दशहरा चल रहा है अभी, दिवाली का समय है और लोग परेशान हो रहे हैं, और जिस तरीके से मतलब रोड कंप्लीट होना चाहिए बारिश के बाद वो इस बार नहीं हुई है। हमारे अकॉर्डिंग जिस प्रकार हमने वोट दिए इनको मतदान करके जिताया, लेकिन उस प्रकार ये निगम खरी उतर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने काम तो करने के नाम पर वोट लिए बट काम नहीं हो पाया। जैसे सड़कें आए दिन खुदी पड़ी हुई है, बारिश के कारण यहाँ पर कई प्रकार से एक्सीडेंट हुए, हमने कई बार व्यक्तियों को गड्ढे से निकाल के अस्पताल तक पहुँचाया, तो व्यक्ति काफ़ी परेशान है। और अभी जो निगम का ये चल रहा है जो सिटी बसों को लेके मेला चल रहा है, तो व्यक्ति आम नागरिक बहुत परेशान है क्योंकि ऑटो वगैरह जो प्राइवेट डिपो वाले अपने मनमाना वसूल रहे हैं पैसा, और जो निगम की जो सिटी बस चल रही है वो बंद होके पड़ी है, इन्होंने कोई उसका वो नहीं देखा। हमने ज्ञापन भी दिलवाया था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वापस सिटी बसें चालू नहीं हुई। आम नागरिक काफ़ी परेशान है, आने जाने में काफ़ी व्यवस्था है डगमगा रही है, और जो इनका जो हर वार्ड में एक कचरा पात्र इन्होंने रखवाया है बट कचरा पात्र उठा भी नहीं रहे, और कचरा जगह जगह फैल रहा है, जगह जगह फैलने से कई प्रकार की बीमारियां हो रही है और डेंगू ने काफ़ी प्रकोप ले लिया है जो नहीं हो पा रहा है। आवारा मवेशियों के नाम पर इन्होंने कई प्रकार के प्रावधान कर रखे हैं बट उनमें इनका कुछ नहीं है, जो दूध देती गाय को ही लेके चले जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आवारा जो सांड घूमते हैं उनको पकड़ते ही नहीं है, है ना। और जो निगम में है जो निगम के कर्मचारी जो आते हैं बट दूध देती गाय को जाते हैं जिससे गाय जाती है, लेकिन जो आवारा सांड जिनसे आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो नहीं जा पाते। विकास के कार्य तो कुछ भी नहीं हुए होंगे हमारे वार्ड में, विकास के कार्य ना तो नाली पठान, पानी की समस्या, बिजली की सारी समस्याएं, कुछ भी विकास के कार्य नहीं हुए। पार्षद ने आकर कुछ भी नहीं देखा है, आकर हमारे वार्ड में कुछ भी झांका नहीं है, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। विकास के नाली पठान है, कचरा है, गाय की समस्या है, बिजली पानी सारी समस्या है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। हाँ, आवारा मवेशियों को तो बहुत ज़्यादा संख्या में मतलब परेशानी वहाँ पर, गाय इधर उधर, कचरा वगैरह, कूड़ा। हाँ, अतुल कौशल जी है हमारे वार्ड के पार्षद, वार्ड नंबर 15 है, और कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं पूरे 5 साल में। जन प्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच नहीं दिखता कोई तालमेल, अधिकारी और जन प्रतिनिधि एक दूसरे के ऊपर करते हैं टोपी ट्रांसफर। महापौर और निगम कर्मचारियों के बीच के दंगल में फंसी है शहर की जनता। कोटा निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में कहीं भी तालमेल नजर नहीं आता, हर कोई एक दूसरे को दोष देकर टोपी ट्रांसफर करने में लगा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पूरे 5 साल निकाल दिए। अपनी बेबसी के बीच कोटा के महापौर का कहना है कि अधिकारियों ने उनकी सुनी होती तो सड़कें चकाचक नजर आती और आवारा जानवर भी कहीं नजर नहीं आते। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हो रहे इस दंगल में कोटा के लोग जाम के झाम से भी जूझ रहे हैं,
और इसका हल क्या है किसी को नहीं पता। तो हमारे केवल हमारा एक काम सबसे कमजोर मैं मानता हूँ कि जो अधिकारियों को बार बार कहने पर भी नहीं हुआ कि सड़क पर घूमने वाला हमारा पशु और दूसरा अतिक्रमण, दोनों के लिए हमने अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया परंतु अधिकारी इसको सक्सेस नहीं कर रहे। खुद इस बात को कह रहा हूँ कि अधिकारी इस पर लगातार कहने के बावजूद फोकस नहीं कर रहे। अगर अधिकारी साथ दें तो हम 15 दिन के अंदर शहर से सड़कों से हमारा पशु समाप्त कर सकते हटा सकते। महापौर का कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर के कायाकल्प के लिए एक नहीं कई काम करवाए जिसकी कोई गिनती नहीं है। अलबत्ता वो खुद मिट्टी के घोटाले में फंसे हैं और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर उनको घेरने की तैयारी में है। काम बचे हैं, बाकी हमने 80% से ज्यादा सफलता प्राप्त की है। हमने सिटी बसें चलाई, हमने डोर टू डोर टीपर चलाए जिसको सब लोगों ने सराहा, हमने भवन निर्माण की फाइलें नाम हस्तांतरण सेल परमिशन लोन लेने से निगम से जलाली समाप्त कर दी। स्वयं सहायता समूह में हम इतने आगे हैं कि राजस्थान में फर्स्ट हैं, बल्कि केंद्रीय स्तर पर हम 10 में से 1 पर हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम हमने हमारे कार्यकाल में जो नंबर 1 भवन निर्माण में नाम हस्तांतरण सेल परमिशन की फाइलें इतनी ईजी की कि 700 वसीयत में मिली थी और 1700 और की है, 2200 फाइलें हमने निकाली, निगम से दलाली खत्म कर। स्वयं सहायता समूह में लोगों को ट्रेन करके और 10,000 महिलाओं का समूह बनाकर उनको अनेक नए लोगों को लोन दिलाकर रोजगार के लिए भी तैयार किया, अनेक काम है जिनकी मैं गिनती करूं। इन सब के बीच कोटा शहर को इंतजार है नगर निगम के चुनाव का, जिसमें वो शहर के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों से इस बात को जरूर पूछेगी कि विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अपनी आपसी लड़ाई को लेकर शहरवासियों के सपनों के साथ क्यों छलावा करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। वहीं अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, वो कोशिश कर रहे थे, टिकट की जुगत में लगे हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार के एक फैसले ने, स्वायत्तशासन विभाग के एक फैसले ने उन सब की जो मंशाएं थी उनको थोड़ी दिनों के लिए विराम दे दिया है। कोटा में नगर निगम के जो निकाय के जो चुनाव होने थे वो अब 6 महीने तक नहीं होंगे, फिलहाल के लिए वो टल गए हैं, क्योंकि दोबारा से एक बार फिर परिसीमन होगा वार्डों का और 100 की जगह अब 150 वार्ड कोटा में होंगे। लेकिन अगर बात की जाए कोटा की, तो नगर निगम के जो वर्तमान बोर्ड है बीजेपी का, कार्यकाल की अगर इस बोर्ड की बात की जाए तो एक तरह से असफल कार्यकाल रहा है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोटा शहर की जो जनता है वो इस बोर्ड से काफ़ी नाराज़ है। जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो समस्याएं थी नगर निगम के स्तर की, जो समस्याएं थी जो कि वहाँ से उनका समाधान होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। कचरे की समस्या, साफ सफाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी जिसका निदान नगर निगम नहीं कर सका है। इसके अलावा अगर बात की जाए आवारा मवेशियों की, तो आवारा मवेशियों के चलते शहर में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। आज तक नगर निगम इसको लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। एक के बाद एक जब हादसे होते हैं, लोगों की जाने जाती है, तब जरूर नगर निगम एक्टिव होता है और अधिकारी जो है, जो आवारा मवेशी हैं सड़कों पर जो विचरण कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अभियान चलाते हैं। 1-2 दिन ये अभियान चलता है और उसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। अगर बात की जाए रूटीन की भी, तो रूटीन हर गली में, हर सड़क पे, यहाँ की कोटा की सड़कों पर आवारा मवेशी जो है वो आसानी से घूमते फिरते देखे जा सकते हैं, इनके चलते रोज़ हादसे हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई वार्डों में समस्या है, सड़कों की अगर बात की जाए वो अभी तक कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो सड़कें हैं वो खुदी पड़ी है। इसके अलावा अगर कई इलाके ऐसे हैं, स्ट्रीट लाइटें जो है नगर निगम के अंडर में जहाँ पर आता है वहाँ पर परेशानी है, कई तमाम समस्या है। लेकिन अगर प्रमुख समस्याओं की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था में नगर निगम फेल रहा है, आवारा मवेशियों से शहरवासियों को बचाने में, सुरक्षा देने में नगर निगम पूरी तरह फेल रहा है। लोगों का भी यही कहना है, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे लोग जो हैं वो परेशान हैं। हालांकि अब एक बार फिर से परिसीमन होगा, वार्ड जो है 100 के 150 होंगे, 2 नगर निगम कोटा में बनाए जाएंगे, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के नाम से ये नगर निगम होंगे और 2 महापौर कोटा में होंगे। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है, लोगों की जो समस्याएं है उनका समाधान बेहतर तरीके से किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कितना फ़ायदा जो है वो जनता को मिलता है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 2 प्रमुख समस्याएँ कचरा और आवारा मवेशी लोगों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा,
इंडिया न्यूज राजस्थान कोटा। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की सरकार से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।